ये तो खराब औरत है। अविनाश जी तुम बहुत अच्छा डिजर्व करते थे, ये तो गंदी लड़की मिली है, औरत है लड़की भी नहीं है, औरत से भी कुछ ऊपर होगा तो दादी अम्मा है। ये आदमी कितना दूर तक ये आपको पता नहीं है, ये जो मासूमियत का नाटक करके जो मुखौटा पहन के रखा है, इसका मुखौटा एक बार मैं ऐसे निकालूंगी सब। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है, हालत खराब है, बच्चों का खाना मैं तैयार कर रही हूँ, तो बच्चों का आज मैंने सोचा कि मैं पूरा पालक गाजर वगैरह उनके चिकन में डाल के उनको खिलाऊं, तो उसी में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। अब ठंडा हुआ खाना तो इन लोगों को खाना खिलाया, बाकी का काम शुरू हो चुका है घर का। आप किचन की हालत देख सकते हो, ये हालत है किचन की फिलहाल की। ये बच्चे खाना खा रहे हैं यहाँ पे, पीछे काम हो रहा है। ये अविनाश की थोड़ी चाय है जो मैं उसको गर्म करके दे रही हूँ, तो मैं अभी थोड़ी देर में दोबारा आपको मिलती हूँ अपनी कॉफी के साथ। हाँ मेरा बेबी काम करता हुआ। आपका कप तो बेबी इतना बड़ा लाई हो, ऐसा लगा इसमें पता नहीं 6 लोगों की चाय होगी, चाय जमीन चाट रही है। मैं अपनी कॉफी बना के ले आऊँ, कॉफी पीऊंगी फिर साथ में बात के। बच्चों को दे दिए गाजर मूली, बच्चा का सबने बच्चों ने बुरी तरह से खाया खाना। ये देखो बच्चा लौट रहा है, बच्चा लौट रहा है, बहुत खुश है। चारू बाबा मेरा बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया खाना खा के। ओली मिला बच्चा, मेरा बच्चा मिला बाबा, ओए 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 बहुत खुश है भैया, बहुत खुश है। हाँ जी बहुत खुशी हुई, आप बहुत खुशी हो। मम्मा ने वेजिटेबल्स खिलाए ना आज, मेरे भर भर के इनको पालक गाजर छप डाल के खिलाया। जी मैं अपनी कॉफ़ी लेके जरा अपना मैं एक कॉफ़ी पी लूँ और जो बाकी के काम हैं इसके बाद होंगे, लेकिन थोड़े बहुत तो मतलब होते जा रहे काम, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि छुट्टे काम के लिए झाड़ू पूछा बर्तन के लिए कोई ऑलरेडी आ रही है यहाँ पे, चीज़ ऑलरेडी है, तो अभी उनके साथ मिलके मेरे को काम करना पड़ेगा, बिकॉज शी डजंट नो एनीथिंग, तो साथ में मिलके काम करेंगे। मेरा बेबी यहाँ पे अलग काम कर रहा है और ये अभी तक खाना ढूंढ रही है। बेबी ऐसा क्या है, इतना मजा आया आपको खाने में, इतना मजा आ गया है? हाय जब बाबा को इतना चेरी को, चेरी को सबसे ज्यादा मजा आया है भाई। हाय मेरा बच्चा चेरी को आज बहुत मजा आया खाने में, मम्मा ने खाना जो दिया है आज चेरी को बहुत मजा आया उस खाने में। आज मेरी गुड़िया ना, मेरी बच्ची ओके ओके। आज आपको नहला दूं है, चलो देखती हूँ। हाँ क्या हुआ, क्या हो गया? हाँ भाई मैं ही हूँ। अरे बाबा रे, आजा इधर 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 इधर, अच्छा हट तू यहाँ से, उसको आने नहीं देती है। मेरा पेट टूटा हुआ, अब इसकी अटका है कुछ नौटंकी, वो देखो उसको काम ही नहीं करने दे रही। क्या चाहिए, इसने बोला खिड़की पे चढ़ा दे, मैंने चढ़ा दिया, बोले ऊपर चढ़ा दे, मैंने चढ़ा दिया। करी एक बार और घुमाने ले जाओ यार, ना वही बोल रही है, वो मेरे को पता है, बोला है ना तुमने, तुम ले जाओ। जिसका बाप ही इस तरह का हो, बच्चे का फ्यूचर क्या होगा? अरे मेरा बाबा इतना कौन रोता है? तो जी दोस्तों मैं नहा के तैयार हो गया हूँ, और जब से अमिता गई है ना तब से 2-3 दिन से ये बहुत तगड़ा ड्रामा चल रहा है कि जब भी मैं नहा के निकलता हूँ तो ये झूठ बोल रही आदमी, मैं आपको दिखा दूँ। तो आदमी ने बोला ही कुछ नहीं, झूठ कहाँ से हो गया कि जब मैं निकलता हूँ तो कहती है बेबी वाइपर मारा है, मैं बोलता हूँ हाँ वाइपर मारा है बाथरूम में, उसके बाद कहती है ओ हो यही वाइपर मारा है, फिर दोबारा मार के आती है। लेकिन मैंने आज तक जो ये दोबारा मार के आती है उसके बाद कैसा लगता है बाथरूम नहीं देखा, 1 मिनट ऐसे रहना। तो आज मैं वाइपर मार के आया हूँ, अब मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि वाइपर मार के मैंने कैसा किया और ये ऐसा क्या कर देती है जो ये रोज मुझे टोकती है। आओ बाहर बाहर आओ, तुम बाहर आओ, तुम दिखाओ बाथरूम दिखाओ। ये देखो ये इसे वाइपर मारा है, ये वाइपर मैंने मारा है क्योंकि इतना ही वाइपर लगता है, ठीक है? अब देख लो दोस्तों, अब मैं वाइपर मारूंगी तो मार के मुझे बुला लेना। नहीं आप इधर आइए, अभी नहीं बाद में आएंगे ना। मुझे लग रहा है अमिता गई है ना, ये कुछ करा के जाएगी। दिखाऊं अब? नहीं रुक जाओ, अभी तो मैंने इतना पानी इकट्ठा कर लिया है। चिंचाल लड़ाई हो गई मम्मा पापा की, मम्मा पापा की लड़ाई हो गई। तो तू अपनी माँ को क्यों मार रही है, हमारी लड़ाई हो गई तो? तो दोस्तों संभावना का भी वाइपर लग चुका है, जरा दिखा दो। ये देख लीजिए, घुसते ही ये वाइपर लगा है और जो बहुत अच्छे से लगा है,
सेम वैसे ही ये पानी, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। एक नंबर के झूठे हो तुम, मक्कार किस्म का आदमी है जिससे मेरी शादी हुई है। मैं झूठा भी हूँ मक्कार भी हूँ, लेकिन अब आप लोग बताएंगे कि ये दोनों वाइपर में आपको क्या फर्क लगा है, ठीक है? अगर मुझे दोबारा लगाना पड़ा ना वाइपर, तो उसका मतलब यही है कि पानी वही का वही था। वो तो मुझे अपने अंगूठे के नीचे दबाने के लिए किया तुमने। भैया मैं तो दबाने के लिए पैदा हुई हूँ, मेरा तो नाम खराब ही करो। मैं तो ऐसी हूँ, संभावना तो ऐसी है, संभावना तो यही करती है, संभावना तो है ही ऐसी। अब कल से पहले तुम नहाओगी और जब तुम वाइपर लगा के निकलोगे तब मैं बोलूंगा ये कैसा वाइपर मारा है। नाटक कर लो लोगों के सामने, लोग खुश होते हैं ये सुन के कि अविनाश सर कितने अच्छे हैं, उनको कितनी बुरी औरत मिली है, ये तो खराब औरत है, अविनाश जी तो बहुत अच्छा डिजर्व करते थे, ये तो गंदी लड़की मिली है, औरत है लड़की भी नहीं है, औरत से भी कुछ ऊपर होगा तो दादी अम्मा है, क्यों शादी करी अविनाश जी आपने, ये सारी बातें होंगी, जिस जिसको खुश होना है हो लो। ये आदमी कितना दूर था ये आपको पता नहीं है, ये जो मासूमियत का नाटक करके जो मुखौटा पहन के रखा है, इसका मुखौटा एक बार मैं ऐसे निकालूंगी सबके सामने। दो कौड़ी का काम नहीं करता ये आदमी, जैसे गरीब पिता। रोज सुबह उठ के 6 बजे कॉफी कौन बनाता है? वही दिखाती हूँ दोस्तों, देखो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, अपनी बीवी के लिए मैं कॉफी बना रहा हूँ, पानी डालो, बेबी बस बेबी वही से खराब हो गई, देखो आदमी कॉफी बना रहा है, अरे और क्या कर रहा है, इसको चाय तक नहीं आती बनानी, इसीलिए कॉफी बना रहा है, और कॉफी बनाने के बाद वही आपको दिखता है, उसके बाद पूरी समेटा समाटी, ये दुलना भो भुलना भय सबके पीछे लगना, खबरदार आवाज आई तेरी, ये सब नहीं नहीं अंदर है वो, ये सब मैं करती हूँ जो किसी को नहीं दिखाई देता, क्योंकि उस समय व्लॉगिंग नहीं कर रही होती, क्योंकि मैं काम कर रही होती हूँ। बेबी इसी से समझ में आ गया कि तुम कितनी फ्रस्ट्रेटेड है। मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूँ, मेरे को तो जो काम करना, काम तो देखो करना ही है, काम के बारे में प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अचानक से अमिता गई है तो देखो प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन साथ देने वाला इंसान लोगों के सामने अच्छा बन रहा है, लेकिन लेकिन तुमने क्या किया तुम्हें बता दूं जरा, पकड़ो क्या किया, खाली ना ये देखो, अभी पूरे व्लॉग में मैंने तुम्हें ऑब्जर्व किया है, करती है हाँ तो ये तो वो हो दरवाजा खुला है, हाँ तो ये तो वो तो हो तो ये दरवाजा खुला है, फिर अरे तो मैं और क्या कह रही थी कि ना ये वो ना आया छोटी छोटी चीजें करके, और घर तो अपने आप ही ठीक हो जाता है ना, जो घर की समेटा समाटी है, बिस्तरे बिस्तरे, ये तो अपने आप ही हो जाते हैं ना। घर तो तब खराब ठीक होगा ना जब खराब होगा, कोई खराब ही नहीं कर रहा तो ठीक करने की क्या जरूरत है। दोस्तों आपको जितनी गाली देनी है प्लीज आज मुझे दे दो, खुल के दे दो, खुल के दे दो, आपके पास कुछ ना बचे। आपको भी कई लोग ऐसे भी होंगे ना जिनको अपनी भी फ्रस्ट्रेशन निकालनी होगी, निकाल दो मेरे पास, मैं पूरी मन नहीं तैयार हूं। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की सब्जी, ये रही भिंडी, और इसकी सब्जी मैं फटाफट बना दूंगी, अविनाश को अच्छी लगती है सरसों के तेल में। शाम की तैयारी हो गई है, मतलब शाम मतलब इधर अंधेरा बाहर आपको दिख रहा होगा, लेकिन वही अभी शाम है, और मैंने इनको भी खाना वगैरह दे दिया है ताकि थोड़ा सा जल्दी इनको खिला के और मैं नीचे फिर इनको घुमाने के लिए लेके जाऊं। वैसे तो खिला के ले आई हूँ मैं नीचे चेरी को, लेकिन फिर भी एक बार मैं लेके जाऊंगी, थोड़ा सा वॉक वगैरह कराऊंगी, बिकॉज अब मेरे पास टाइम है तो मैं थोड़ा सा पर्सनली अटेंशन दे सकती हूँ चेरी की तरफ, क्योंकि मुझे चाहिए कि मैं इसका वेट कट डाउन करूं, क्योंकि रोज पेन किलर्स खा रही है ये, विच इज नॉट गुड, बट उसका कुछ कर भी पता नहीं क्या क्या ही सकते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितना वेट कम हो जाएगा उसका उतना अच्छा है, उसका भी हो कम मेरा भी हो, माँ बेटी दोनों का कम होना जरूरी है। तो फिलहाल ये यहाँ पे खाना खा रहे, मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ, क्योंकि अविनाश जी को चाय पीनी है, मतलब उसमें कोई कमी नहीं है, ऑर्डर करने में कोई कमी नहीं है, बाकी बनाएगी बीवी। पति एक सुबह बना देता है कॉफी, उसके बाद दिन भर सुनाता है बीवी को, ए चिंचुका चिंचू बाबा किसका खा रहा खाना, ना चाय दो खा लो मम्मा। तो जी जैसे कि आपको मालूम है कि ड्यूटी फ्री में उस दिन इतना टाइम लगा कि हमारी फ्लाइट मिस होने वाली थी, लेकिन उसके बीच में मैंने कितनी परफ्यूम्स खरीदे मैं आपको वो दिखा देती हूँ। 1, 2, 3, 4
चार परफ्यूम्स ऑलरेडी जा चुकी है फ्रेंड्स को, अब जो बचेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले आप ये देख लो, ये अविनाश की एज यूजुअल डेविड ऑफ, अविनाश को पसंद है इसलिए ली गई। पसंद इसलिए क्योंकि सबसे अच्छी और सबसे सस्ती है, ये इसलिए अविनाश को पसंद है क्योंकि ये सस्ती है। मैंने जो अपने लिए लिया है ना वो है गुची फ्लोरा, ये तो मैंने खोल भी दिया है और इसकी बॉटल भी दिखा देती हूँ। आई लव दिस परफ्यूम, आई डोंट नो इसका है फ्रेग्रेंस है जैस्मीन है और ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, ये मैंने यूज भी कर ली है, ट्राई एंड टेस्टेड हो गई है। तो ये एक परफ्यूम है जो मैंने ली है, थोड़ी सी देखो महंगी तो है लेकिन अच्छी है। फिर मैं आपको दिखा देती हूँ दूसरी, एक और गुची फ्लोरा मैंने ली है, ये है, ये भी गुची फ्लोरा, वो भी गुची फ्लोरा, ये भी गुची फ्लोरा, फर्क क्या है दोनों में? इसमें वो जैस्मीन है, ये है गार्डेनिया, कितनी गार्डेनिया, ये है एक विक्टोरिया की एक्चुअली दूसरी परफ्यूम थी जो मैंने गिफ्ट कर दिया, लेकिन उसके साथ मुझे ये भी मिला था बॉम्बशेल सेलिब्रेशन, ये मिस्ट है बेसिकली, अच्छा है मिस्ट, ये मैंने लिया है। और आपको दिखा देती हूँ, ये माइकल कॉर्स का मैंने जैस्मिन फ्लेवर लिया है, जैस्मिन ही है ना, हाँ जैस्मिन है, ये लिया है। ये मेरे दोस्त को अभी देनी है जो उसने मंगवाई थी, ये है 212 VIP ब्लैक, मैं खोल भी नहीं सकती अभी क्योंकि ये देनी है मुझे फ्रेंड को, तो ये है। और एक मैंने जो अपने ले लिया है वो है विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल, ये मैंने खोली भी नहीं है अभी तक, लेकिन अब मैं खोल रही हूँ आप लोगों के सामने, ये खुल जाएगी तो इसको अनबॉक्स कर देते हैं क्योंकि मुझे ये किसी को गिफ्ट नहीं देनी है, ये मेरे लिए ही है इस्तेमाल के लिए। एंड दिस इज हाउ द बॉटल लुक्स लाइक, ये रही। अरे नाक के अंदर डाल लोगी क्या? अभी तक इसकी खुशबू मुझे पता नहीं चली है क्योंकि मैंने यूज नहीं किया है। तो खरीदी क्यों थी जब खुशबू नहीं पता था? अरे भाई अभी तक नहीं पता है, मतलब अभी इसमें नहीं, अभी तक मतलब वही होता है ना, खरीदने से पहले पता होनी चाहिए ना, ये उस समय पता थी अब नहीं पता मुझे, ये मैंने यूज करनी है। इसके मेरे ख्याल से मैं ये फेंक ही देती हूँ, ठीक है। और ये बेसिकली मुझे परफ्यूम गिफ्ट मिली है, लेकिन ये भी मैंने बर्बरी की नहीं खोली है, ये एक ह्यूगो बॉस अविनाश के लिए, और ये भी मुझे विक्टोरिया सीक्रेट में बॉम्बशेल सेलिब्रेशन, बट दिस इज नॉट अ परफ्यूम, दिस इज अ बॉडी लोशन, ये मिला है। तो दोस्तों ये सारी परफ्यूम मैंने ली है, बाकी सारी एक्चुअली जा चुकी है तो आपको बहुत कम लग रही होंगी। ये रीजन है कि उस दिन मुझे ड्यूटी फ्री में इतना टाइम लग गया, ये तो एक सेक्शन था, बाकी चीजें तो हमें छोड़नी पड़ी, मतलब दूसरे सेक्शन में जो जाके हमें फ्रेंड्स के लिए लेनी थी वो सेक्शन ही हमें छोड़ देना पड़ा क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे फ्लाइट के लिए। सो दिस इज ऑल व्हाट आई बॉट। तो जी दोस्तों तैयारी हो चुकी है सोने की, बाल और छोटे करा लिए हैं क्योंकि मन कर रहा था, मजा आ रहा है छोटे बालों में, और कुछ लुक चेंज करने की सोच रहा था इसलिए कर लिए, और इसके साथ ही सब लोग तैयार हैं यहाँ पर सोने वाले, और इनको तो इतना मजा आता है जैसे इनको पता चलता है सोने का टाइम हो रहा है अभी मम्मी के साथ, बस दिन में चार चार बार मम्मी लेके जा रही है नीचे वॉक कराने। आपको पता नहीं है कि मैंने आपको शाम की चाय बनाते वक्त बोला था कि ये मुझे नीचे लेके गई है, उसके बाद मेरे को दोबारा लेके जाना पड़ा है, वो इतना गंदा रो रही है ना चेरी कि मैं आपको क्या ही बताऊं, ये चेरी इतना गंदा क्यों रो रही है मुझे पता नहीं, जैसे अमिता गई है ना तो इसके ऊपर ना वो आ गया है, कहते हैं ना मतलब कि अब मैं माँ के ऊपर सवारी करूंगी पूरी अपनी, तो मेरे ऊपर पूरी सवारी कर रही है ये, अभी भी बॉल, अभी बॉल लेके आई है, फिर बॉल लेके आई है, ये मेरे को दिन में तीन तीन बार नीचे लेके जा रही है ये कि मेरे साथ चल। मे भी उसको अच्छा भी लग रहा है कि अब मैं ही केयर कर रही हूँ तो ये ज्यादा टेंशन मांग रही है, हो सकता है ये सब कर रही हो, बट आई रियली डोंट नो, आई एम ऑल्सो लाइकिंग इट, बट जब टू मच हो जाता है दिल करता है दो लाफे लगाऊं मुंह। इसी के साथ आपको मिलेंगे आप कल के ब्लॉग में, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आई यूट्यूब चैनल विच इज संभावना से एंटरटेनमेंट। सुबह जल्दी उठना बेबी प्लीज, मुझे तो मत बोलो, मैं तो रोज ही सुबह जल्दी उठता हूं, अपनी बात मत करो, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूं, आपको कल उठना है आपका प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम नहीं, मैं तो उठ ही जाऊंगा और कॉफी बना के आपको दे दूंगा, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है आप क्या करोगे, और नहीं कर पाओगे तो भी आपकी जिम्मेदारी है, मैं तो आपको उठा दूंगा क्योंकि मैं तो रोज ही उठता हूं, आप देख लेते हैं आपका क्या करना है, आप सो जाइए तो सो जाइए, मैं जब सोऊंगा तब सो जाऊंगा, ठीक है, आप मुझसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं।